ये गुस्सा जायज है, क्योंकि जो माफिया पिछले 47 सालों से अपना भोकाल बना रहा था, आज उसे पहली बार सजा मिली। सालों से इस सजा की उम्मीद लगाए पीड़ितों के परिजनों के इंतजार की घड़ी पूरी हुई। पहले भी कह रहे थे कि मेरे बेटे को 18 साल हो गया, पहले 2 साल राज्यपाल का लड़े, उनका अपहरण किया इसने, अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में कार्यालय में, उसी वक्त ही मरवा डालता। लेकिन उस समय उसके साथ कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया, लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया। शेर की तरह आज तक अतिक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो, लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते। लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है, उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, या मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। जरायम की दुनिया में जिस अतीक अहमद की तूती बोलती थी, आज वो बेबस नजर आया। 17 साल पुराने केस में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद, हनीफ और दिनेश पासी को प्रयागराज की MP MLA अदालत ने दोषी करार दिया और फिर इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। हम लोग तो मायूस थे, कोर्ट में घुसते ही मायूस थे, और कहीं न कहीं से उनको लग रहा था कि जिस हिसाब से इस मुकदमों में गवाहों ने बयान दिए हैं अपने, मायूस थे कि सजा कहीं न कहीं से सजा जरूर होगी। कितने गवाह पेश किए गए? हम लोगों ने अभियोजन ने 8 गवाह पेश किए, 8 गवाह बिल्कुल इंटैक्ट थे और उन्होंने बिल्कुल बढ़िया ढंग से गवाही दी। की तरफ से उन कितने गवाह थे? 51 गवाह उन्होंने अपने डिफेंस की तरफ से पेश किए, उसमें ज्यादातर जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे जिनका आपराधिक इतिहास था। 51 गवाह जो है पेश किए थे उन्होंने। और इस मामले में अब कोर्ट ने कहा है कि सजाएं जो है एक साथ चलेंगी, ये भी कहा है। आजीवन कारावास है, सबसे बड़ी सजा होती है, और सारी धाराओं में सजा हुई है, 147 में, 148 में, 149 में, 323 में, 341 में, 342 में, सारी धाराओं 506 सब क्लास 2 में, सारी धाराओं में सजा सुनाई गई। अहमद के वकील कह रहे हैं कि हम हाईकोर्ट जाएंगे। हम लोग भी पीछे से जाएंगे, शासन भी जाएगा। कोर्ट में इधर जज सजा सुना रहे थे और उधर अतीक के आंसू रुक नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके पाप का घड़ा फूट पड़ा था। सजा सुनने के साथ ही अतीक का घमंड भी चकनाचूर हो रहा था, और शायद इसका दर्द ही था कि अतीक की आंखों से अश्रु धारा रुक नहीं रही थी। तीन लोगों को सिद्ध दोष किया गया है, जिसमें एक सर श्री अतीक अहमद, सर श्री दिनेश पासी और खान सोलत हनीफ को। उसके पश्चात इनको सजा सुनाई गई है। सजा जो सुनाई गई है 364A के अंतर्गत आजीवन कारावास की अधिकतम सजा वही है, और बाकी में 1 लाख रुपए का छतपुर तीनों आदमियों को देना पड़ेगा, 1-1 लाख रुपया सूक्ष्म। दंड प्रक्रिया संहिता में ये दिया गया है, विकल्प की आदेश के खिलाफ पुनर्वाद होता है, अपील होती है। हाईकोर्ट में होगा ही, और कहीं दूसरी जगह अपील नहीं हो सकती। कानूनी रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि अब तो उम्र कैद हो गई है, और अभी यूपी पुलिस ने जब तक सिद्ध दोष अंतिम नहीं हो जाता है, तब तक वह व्यक्ति निर्दोष होता है कानून की निगाह में। सर, लेकिन यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि जो कहा जा रहा है वो गलत कहा जा रहा है।
सजा सुनने के बाद अतीक बेबस नजर आया। अतीक कोर्ट से साबरमती जेल भेजने की गुजारिश कर रहा था। कोर्ट में अतीक की आंखों में कानून का डर देखा गया। उसका भौकाल कानून के सामने चकनाचूर नजर आया। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में संदेश पहुंचा, माफिया कितना भी ताकतवर हो, कितना भी बाहुबल हो, कानून की नजरों में सब समान है और जो गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। जिस केस में सजा हुई है उसमें राजू पाल हत्याकांड का जो प्रमुख गवाह था उमेश पाल, उसका अपहरण 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने किया था। आज माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए की का जुर्माना भी दिया है और ये निर्देश दिए हैं कि ये जो पैसे होंगे वो अभियुक्तों से जो विक्टिम की फैमिली है उनको दिया जाएगा। इन 3 अभियुक्त जिनको सजा दिलाई गई है उसमें अतीक अहमद स्वयं शामिल है और इसके अन्य 2 साथी जिनका नाम क्रमशः खान शौकत हनीफ तथा दिनेश पासी है, इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माफियाओं के प्रति कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक अधिकारी जो ये अपनी आहुति देगा और हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे तथा आने वाले समय में हम हर एक माफिया को सजा दिलाने की और उसको कानून के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज करने की हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है और आने वाले समय में और भी इस तरह के दुर्दांत माफियाओं के विरुद्ध हमारी कार्रवाई अनवरत जारी रहे। 17 साल बाद आखिरकार वो दौर आया जब माफिया डॉन अतीक अहमद के गुनाहों का हिसाब होना शुरू हो गया। खास बात ये है कि करीब 100 मुकदमे झेल रहे अतीक पहली बार किसी मामले में गुनहगार पाया गया। 2006 में उमेश पाल को अगवा करने केस में कुल 10 आरोपी थे। इनमें से कोर्ट ने अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया, लेकिन अतीक अहमद, दिनेश पासी और अतीक के वकील सौलत हनीफ को उम्र कैद की सजा सुनाई। 4 दशकों तक प्रयागराज में खून की होली खेलने और कोहराम मचाने वाले अतीक ब्रदर्स के आतंक का अंत होना शुरू हो गया है। उमेश पाल किडनैपिंग के केस में उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अतीक बेहोश हो गया। उसके पहले अतीक अपने भाई अशरफ से गले मिलकर रोने लगा था। अतीक अहमद के खिलाफ पहली बार अदालत ने सजा का ऐलान किया, जबकि पिछले 18 साल से उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल राजू पाल मर्डर केस में अतीक अहमद के गुनाहों का इंसाफ होना अभी बाकी है। इतना ही नहीं, अब अतीक अहमद के खिलाफ उमेश पाल की हत्या के मामले में भी जांच तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। कैसे एक टांगा चलाने वाला 10वीं फेल बेटा अपराध की दुनिया का बादशाह बना, कैसे उसने उस समय के नामी गैंगस्टर्स की जगह ली। गैंगस्टर्स भी वो जिसके प्रयागराज यानी इलाहाबाद में तूती बोलती थी। आपको बताएंगे अतीक के अपराध की दुनिया में एंट्री का पूरा किस्सा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आपका स्वागत है। साल 1989 अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ। 17 साल की उम्र में जवानी के दहलीज पर कदम रखते ही अतीक पर हत्या का आरोप लगा। इसके बाद जुर्म जैसे अतीक का शकल बन गया और अतीक के जिस तरीके से गुनाह हुए, कहा जा सकता है कि अतीक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन साल दर साल उसके जुर्म के खिताब के पन्ने भरते चले गए। आपको बताते हैं कहानी यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद की। आखिर अतीक कैसे बना, कैसे फला फूला, ये जानना भी बेहद दिलचस्प है। ये रिपोर्ट देखिए। साल 1979, जगह प्रयागराज, तब इलाहाबाद का चकिया गांव। टांगा चलाने वाले फिरोज अहमद के घर अतीक अहमद का जन्म हुआ। अतीक पढ़ाई में कुछ खास अच्छा नहीं था, जिसके चलते 10वीं कक्षा में वो फेल हो गया। लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही जुनून था, वो था किसी भी तरह से पैसा कमाने का, क्योंकि पिता की आमदनी अच्छी नहीं थी और बचपन से ही उसने आर्थिक तंगी देखी थी। पैसा कमाने के लिए उसने शॉर्टकट अपनाया, ऐसा शॉर्टकट जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। पैसा कमाने के लालच में अति गलत काम में पड़ गया, लोगों से रंगदारी वसूलने लगा। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर, पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे। लिहाजा अतीक अहमद ने उस समय नेताओं और पुलिस से अच्छी साठ गांठ बना ली, जिसके चलते उसे पुलिस और नेताओं का साथ पूरा मिला। लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो गया। जैसे जैसे अतीक और उसके गुर्गों का नेटवर्क बढ़ा, वो पुलिस के लिए नासूर बनने लगा। अतीक को इस बात की भनक लग गई, उसने एक पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। जेल जाते ही उसके खिलाफ रासुका लगा दिया गया। इससे लोगों में ये मैसेज गया कि अतीक बर्बाद हो गया। लोगों में फिर अतीक के लिए सहानुभूति पैदा हो गई। फिर एक साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। उसे समझ आ गया था कि अब बचने के लिए सियासत ही काम आ सकती है। इसीलिए अतीक ने 1989 में इलाहाबाद पश्चिम सीट से यूपी विधानसभा चुनाव का पर्चा भर दिया। उसके सामने था चांद बाबा। चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंग वॉर हो चुका था। अपराध जगत में अतीक का बढ़ता दबदबा चांद बाबा को अखड़ने लगा था। फिर सीधे काउंटिंग वाले दिन, जब अतीक अपने गुर्गों के साथ रोशन बाग में चाय की टपरी पर बैठा था, तो चांद बाबा अपनी गैंग के साथ वहां आ गया। दोनों के बीच भीषण गैंग वॉर हुई, जिसमें चांद बाबा की मौत हो गई। इससे पहले कि चांद बाबा की हत्या पर प्रशासन कुछ एक्शन लेता, चुनाव के नतीजे आ गए। अतीक अहमद चुनाव जीत चुका था और वो विधायक चुन लिया गया। कुछ ही महीनों में एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मारे गए, कुछ भाग गए। इसी तरह चांद बाबा का दौर खत्म हो गया और अतीक का दौर आ गया। इस हत्या में अतीक अहमद पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और चांद बाबा की मौत के पीछे गैंग की मुठभेड़ को कारण बताया गया। अतीक अहमद का नाम जून 1995 में लखनऊ में हुए गेस्ट हाउस कांड के मुख्य आरोपियों में से एक था, जिन्होंने मायावती पर हमला किया था। मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के कई आरोपियों को माफ कर दिया था, लेकिन अतीक अहमद को नहीं बख्शा। मायावती के सत्ता में आने के बाद अतीक अहमद की उल्टी गिनती शुरू हुई, तो जब जब बसपा सरकार में आई, अतीक हमेशा उनके निशाने पर रहा। मायावती शासन काल में अतीक अहमद पर कानूनी शिकंजा कसने के साथ साथ उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने से लेकर कई बड़ी कार्रवाई हुई। यूपी में मायावती सरकार के दौरान अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे ही रहा। बसपा के दौर में अतीक का दफ्तर गिरवाने के साथ साथ उसकी संपत्तियां जब्त करवाकर उसे जेल भेजा गया और प्रयागराज में उसकी राजनीतिक पकड़ को कमजोरी नहीं बल्कि पूरी तरह से खत्म कर दी। अतीक देश के उन नेताओं में से एक है जो अपराध की दुनिया से निकलकर राजनीति की गलियों में आया। हालांकि राजनीति में भी उसकी बाहुबली वाली छवि बनी रही और गाहे बगाहे वो सुर्खियों में रहा। साल 2004 में देश में आम चुनाव हो चुका था। यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट से बाहुबली नेता अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की। इससे पहले अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा से विधायक था, लेकिन उसके सांसद बन जाने के बाद वो सीट खाली हो गई। कुछ दिनों बाद उपचुनाव का ऐलान हुआ। इस सीट पर हुए सपा ने सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने अशरफ के सामने राजू पाल को अपना प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतार दिया। जब उपचुनाव हुआ तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए।
बसपा प्रत्याशी राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई अशरफ को हरा दिया। उपचुनाव में अशरफ की हार से अतीक अहमद के खेमे में खलबली थी, लेकिन धीरे धीरे मामला शांत हो चुका था। मगर राजू पाल की जीत की खुशी ज्यादा दिन कायम न रह सकी। पहली बार विधायक बने राजू पाल की कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव नाम के दो लोगों की भी मौत हुई थी, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। दिन दहाड़े विधायक राजू पाल की हत्या से पूरा इलाका सन्न था। बसपा ने सपा सांसद अतीक अहमद के खिलाफ धावा बोल रखा था। उसी दौरान दिवंगत विधायक राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने थाना धूमनगंज में हत्या का मामला दर्ज कराया। उस रिपोर्ट में सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, खालिद अजीम को नामजद किया गया। मामला दर्ज हो जाने के बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। विधायक राजू पाल हत्याकांड की जांच पड़ताल और छानबीन में जुटी पुलिस ने रात दिन एक कर दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड की विवेचना करने के बाद तत्कालीन सपा सांसद अतीक अहमद और उसके भाई समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में उमेश पाल एक अहम चश्मदीद गवाह था। जब केस की छानबीन आगे बढ़ी तो उमेश पाल को धमकियां मिलने लगी थी। उसने अपनी जान का खतरा बताते हुए पुलिस और कोच से सुरक्षा की गुहार लगाई। उसके बाद कोच के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए दो गनर दिए गए थे। एक जमाना था जब यूपी में माफिया डॉन अतीक अहमद की तूती बोलती थी, लेकिन बार बार हार का सामना करता देख अतीक का रसूख कम हो रहा था। ऐसे में साल 2012 में अतीक के पास खुद का दबदबा बनाने का एक और मौका आया। उस समय अतीक अहमद जेल में बंद था, लेकिन उसकी माफिया डॉन वाली इमेज से हर कोई वाकिफ था। कोई भी उससे पंगा लेने से परहेज ही करता था। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरू हो चुके थे। चुनाव लड़ने के लिए अतीक ने अपना दल से पर्चा भरा था। इसी को लेकर उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए आवेदन किया। अतीक के बेल वाले आवेदन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद सुनवाई के लिए 11वें जज ने हामी भरी और अतीक अहमद को बेल दे दी। अतीक के पास अपना गढ़ बचाने का आखिरी मौका था, क्योंकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में वो हार गया था। अब विधानसभा चुनाव में अतीक और पूजा पाल आमने सामने थे, लेकिन अतीक को 2012 के विधानसभा चुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, जिसमें अतीक ने दोबारा अपनी हनक बनाने का पूरा प्रयास किया। इसके बाद अतीक अहमद को सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर से टिकट दे दिया, जिसका पार्टी में ही विरोध हो गया, लेकिन टिकट बरकरार रहा। हालांकि सीट बदलकर श्रावस्ती कर दी गई। वहां अतीक ने खूब चुनाव प्रचार किया। वहां उसने अपने संबोधन में ये तक कह डाला, मेरे खिलाफ 188 मामले दर्ज हैं। मैंने अपना आधा जीवन जेल में बिताया है, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं। लेकिन अतीक का संबोधन चुनाव में काम नहीं आया और वो हार गया। फिर अखिलेश यादव से भी उसके रिश्ते खराब हो गए। उधर अतीक अपना रसूख कायम करने के लिए हाथ पैर मार रहा था, तो दूसरी ओर राजू पाल हत्याकांड मामले में जांच और सुनवाई चलती रही, लेकिन राजू पाल का परिवार इस मामले की छानबीन से संतुष्ट नहीं था। लिहाजा इस मामले की जांच 12 दिसंबर 2008 को CBCID को सौंपी गई। CBCID ने 5 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। उसमें मुस्तकिल मुस्लिम उर्फ गुड्डू, गुल हसन, दिनेश पासी और नफीस कालिया को आरोपी बनाया गया। CBCID की जांच से भी राजू पाल का परिवार नाखुश था। निराश होकर उन्होंने 22 जनवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले को सुनने के बाद देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने का फरमान सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CBI ने राजू पाल हत्याकांड में नए सिरे से मामला दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। करीब 3 साल विवेचना करने के बाद CBI ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 1 अक्टूबर 2022 को राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई करते हुए CBI कोर्ट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। इस हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक अशरफ सहित अन्य लोग शामिल थे।
सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास में आरोप तय किए गए थे। हालांकि कोर्ट के सामने आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में आरोपी अशरफ और फरहान को जेल से लाकर पेश किया गया, जबकि जमानत पर चल रहे रंजीत पाल, आबिद, इसरार अहमद और जुनैद खुद आकर कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में मारा गया उमेश पाल प्रयागराज के राजूपाल हत्याकांड का अहम चश्मदीद था। उसकी गवाही पर ही बाहुबली अतीक अहमद समेत सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। उमेश पाल को पहले भी धमकियां मिली थी, यही वजह है कि उसे यूपी पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर दो सुरक्षाकर्मी यानी गनर उपलब्ध कराए थे। लेकिन 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल पर पूरी तैयारी के साथ जानलेवा हमला किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन कर रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अतीक के साथ उसका पूरा परिवार भी इस कहानी में कोई ना कोई किरदार निभा रहा था। अतीक के साथ उसका पूरा परिवार हत्या या हत्या की साजिश में लिप्त था, तो हर किसी के हाथ खून से रंगे हुए थे। माफिया अतीक अहमद के ऊपर 1985 से अब तक 100 से अधिक मामले दर्ज हो गए। 50 मामले अलग अलग कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि 12 मामलों में वो बरी हो चुका है। वहीं 2004 में तत्कालीन सपा सरकार ने 2 मामले वापस लिए थे। वहीं बाहुबली अतीक अहमद के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के नाम पर 53 मुकदमे दर्ज है। अतीक के बेटों पर 8 मुकदमे दर्ज है। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 4 मुकदमे दर्ज है। लेकिन उत्तर प्रदेश की कमान जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाली, तब से अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गयी। अतीक का ऐसा कोई ठिकाना नहीं बचा जहां हर साल कार्रवाई नहीं हुई हो। यूपी पुलिस के मुताबिक हर साल हो रही कार्रवाई से अवैध ठेका, टेंडर और अपराध का धंधा बंद होने से हर साल अतीक अहमद गैंग को 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब तक अतीक अहमद उसके सहयोगियों और गैंग के कब्जे से 416 करोड़ 92 लाख 46 हजार की कीमत की जमीन मुक्त कराई गई है। आंकड़ों के मुताबिक अतीक अहमद के कब्जे से अब तक 1166 करोड़ 45 लाख 42 हजार रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पत्नी शाइसा परवीन से 8 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। भाई अशरफ की 27.33 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। प्रयागराज के सबसे पॉश और सबसे महंगे इलाके में अतीक अहमद का साम्राज्य चल रहा था। यहाँ एक मॉल था जिसे 2 साल पहले सील किया गया। खैर, सलाखों में बंद अतीक अहमद का सियासी रसूख किसी से छिपा नहीं है। हत्या, हत्या की साजिश, हत्या की कोशिश, अपहरण, रंगदारी जैसे करीब 100 से अधिक संगीन आरोपों में अभियुक्त अतीक अहमद 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुका है। 1989 से अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाला अतीक अहमद बसपा, अपना दल और सपा में रह चुका है। लेकिन यूपी पुलिस ने जिस तरह से अब कार्रवाई की है, उससे लगने लगा है कि माफियाओं का अंत होना शुरू हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।